और दिल्ली से ही आज की बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस की भारत बचाओ रैली रामलीला मैदान में इस वक्त चल रही है। और साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यह रैली बताई गई है। अगर बात की जाए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तो बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए हैं। देश के किसान और मजदूर बर्बादी की कगार पर हैं, ये कहना है हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का। तो पूर्व सीएम का सीधा निशाना बीजेपी पर और बीजेपी के खिलाफ ये रैली की जा रही है। इसके अलावा देश के किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण गरीब लोग आज बहुत परेशान हैं, किसान को बचाना है तो आवाज उठानी होगी, ये भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। यानी कि चौतरफा बीजेपी को घेरने का प्लान बना रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिनमें एक नाम भूपेंद्र हुड्डा का भी शामिल है। दिल्ली में ये भी मौजूद हैं और इससे पहले दिल्ली की इस रैली को लेकर हरियाणा के बड़े नेताओं की बैठक भी हुई थी।